नेपाल वर्सेस यूएई के वुमेन क्रिकेट टीम के बीच में आज मैच होने वाला है। मतलब एशिया कप का आज मैच जो है नेपाल का पहला मैच है और बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पे टेंशन है कि यार लाइव कहाँ देखना है। देखो ये वीडियो मैं बहुत शॉर्ट बनाऊंगा, ज्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो ये नेपाल के आज जितने भी मतलब फैंस है ना, सबसे कहना चाहता हूँ कि आपको लाइव देखने के लिए ना ज्यादा यहाँ पे यार टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके पास अगर आप मतलब टीवी है, ठीक है, तो जो लोग टीवी में देखते हो उनके लिए यहाँ पे स्टार स्पोर्ट्स 3 जो है उसमें आएगा ये एशिया कप का, आप कह सकते हो, मैचेस दोपहर 2 बजे से, और स्टार स्पोर्ट्स 1 सिलेक्ट में। उसके अलावा अगर मैं मोबाइल की बात करूँ, बहुत सारे लोग मोबाइल में देखने वाले हैं, तो मोबाइल में देखने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं। अगर आप नेपाल से बाहर रहते हो तो हॉटस्टार ऐप पे देख सकते हो, या फिर अगर नेपाल में हॉटस्टार अगर चलता है तो आप हॉटस्टार पे देख सकते हो। हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो है वो उस पर देख सकते हो, नहीं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। गूगल पे जाके अगर आप सर्च करोगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार तो आप वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, वहां पे जाके लॉग इन करके आप देख सकते हो, या फिर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है कुछ, वो लेके आप देख सकते हो। उसके अलावा मैं बात करूँ तो फैन कोड देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल है, नेपाल में भी अवेलेबल है। बहुत सारे नेपाल क्रिकेट फैंस इंडिया में जो रहते हैं उनको अब मैं कह दूं कि आप हॉटस्टार पे भी देख सकते हो, फैन कोड पे भी देख सकते हो, और नेपाली फैंस के लिए मैं कह दूं कि आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो अगर ऐप नहीं चलता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का, या फिर अगर ऐप चल रहा है नेपाल में तो आप ऐप पे भी देख सकते हो, या फिर इन सब में भी नहीं हो रहा है तो फैन कोड ऐप पे आप देख सकते हो। कुछ नहीं करना है, गूगल में जाके आपको सिर्फ फैन कोड सर्च करना है और फैन कोड ऐप वहां पे डाउनलोड करके वहां पे सब्सक्रिप्शन मिलता है 200 रुपए का, वहां पे आप लेके देख सकते हो। अगर नेपाल में फैन कोड भी नहीं चलता है तो फिर आप कहाँ देख सकते हो। तो देखो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको एंड में बताऊंगा, जहां पे आपको एक पैसे भी खर्चे करने की जरूरत नहीं है, जहां पे आप 1 रुपये खर्च ना करो। पहले यहाँ पे यूट्यूब वगैरह की बात कर लेते हैं कि यूट्यूब पे आएगा कि नहीं। देखो अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि यूट्यूब चैनल पे जो है लाइव दिखाया जाएगा। हालांकि लास्ट अगर मैं बात करूँ क्वालिफायर मैचेस वगैरह का, तो वो सारा मैचेस जो है वो यूट्यूब पे दिखाया गया था कि एसीसी के जो चैनल है एशियन क्रिकेट काउंसिल, अगर आप सर्च करोगे सर्च बार में जाके यूट्यूब के ऊपर, तो वहां पे आप एशियन क्रिकेट काउंसिल सर्च करोगे ना, या फिर एसीसी सर्च करोगे तो आपके पास वो चैनल आ जाएगा। उस पर अगर लाइव दिखे आपको 2 बजे तो वहां पे आप देख सकते हो, अगर वहां नहीं दिखे तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ आपके पास यहाँ पे टीवी नहीं है, अगर आप टीवी में नहीं देख सकते हो, कुछ मजबूरी है, काम में है, आप लोग काम में हो, अगर टीवी में नहीं देख पा रहे हो तो आपको यहाँ पे मोबाइल में देखना है ये सारे ऐप में। अगर इस सारे ऐप में भी नहीं मिल रहा है हॉटस्टार, फैन कोड, समझ रहे हो, और टीवी में स्टार स्पोर्ट्स 3, स्टार स्पोर्ट्स 1, अगर यहाँ पे नहीं मिल रहे, और ये मैं जो चीजें बता रहा हूँ दोनों इंडिया और नेपाल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे नेपाल के फैंस है, उनको भी, उनके लिए भी है और नेपाल के लिए तो है ही। अगर इन सब जगह कहीं नहीं मिल रहा है ना, तो सबसे आसान तरीका आपके पास एक ही है। सबसे आसान तरीका है आप फेसबुक पे जाना 2 बजे दोपहर, जैसे मैच स्टार्ट होता है फेसबुक के सर्च बार में जाके आपको सर्च करना है नेपाल वुमेन वर्सेस यूएई वुमेन T20 लाइव। ये आप सर्च करोगे, आपके पास मतलब ज्यादा चैनल नहीं आते हैं, 5-6 चैनल आ जाते हैं जो लाइव करते हैं पर्टिकुलरली, बाकी सब यहाँ पे फेक होता है। आप देखना जिस पे ज्यादा वॉचिंग आ रही होगी ना, वहां पे लिखा होगा 27K वॉचिंग, 50K वॉचिंग, या फिर 100K वॉचिंग, या फिर 10K वॉचिंग, ऐसी वाली जो चैनल्स आपको दिखेंगे ना उस पे आप क्लिक करना, आपको वहां पे मैचेस देखने को मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको ना सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है, ना यहाँ पे आपको कुछ पैसे देने की जरूरत है। फेसबुक पे जाना, सर्च बार में जाके आप यहाँ पे वो कर सकते हो। बाकी अब देखो बहुत सारे लोगों को दिक्कतें थी तो ये मैंने सॉल्व कर दिया। यूट्यूब के ऊपर अगर आता है तो 2 बजे आप जाके एसीसी के चैनल पे देख सकते हो, अगर वहां नहीं है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको फेसबुक पे देख लेना है, समझ रहे हो, मैंने जो आपको कहा सर्च बार में जाके सर्च करने, वहां पे आपको मिल जाएगी। बाकी देखो दोस्तों इसको लेके आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताना, क्योंकि देखो लाइव तो आज देखना जरूरी है, क्योंकि एशिया में मतलब अगर मैं बताऊँ तो 4 टीमों के बीच में राइवलरी है, ज्यादा ज्यादा 4 नहीं 6 टीमों के बीच में, इंडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश श्रीलंका और यूएई नेपाल, इन तीनों कंट्रीज के बीच में ना मतलब आप कह सकते हो सेम तरीके की चीजें जो है क्रिकेट में चलती है, सेम तरीके की चीजें। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने में जितना मजा आता है आपको यूएई नेपाल का देखने को आएगा, फिर बांग्लादेश श्रीलंका का देखने को आएगा, क्योंकि इसमें वो बैंटरबाजी होती है, वो ट्रोलिंग होती है, समझ रहे हो, ये वाली चीज, चाहे मेंस क्रिकेट की बात हो या वुमेन्स क्रिकेट की बात की हो, मजा आने वाला है। तो जो मैंने बताया वो आप देख लेना, बाकी इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दो और